शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बलात्कार स्त्रियों पर होने वाला एक पाशविक और अमानवीय अपराध है जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। इस फिल्म का उद्देश्य बलात्कार और उसके किसी भी दुर्भाग्यशाली शिकार का उपहास करना नहीं है। इस व्यंग कथा का उद्देश्य लोगों को ऐसे अपराधों के प्रति और संवेदनशील बनाना है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि अच्छी भावना से बनाई हुई स्कीम कैसे स्कैम में बदल जाती है। चिरौंजी गांव को प्रधान जी का नमस्कार। कहने का मिलन ये है कि आज जुम्मन की लुगाई की इज्जत लुटी है तो कल पुतन की लुगाई की इज्जत लुट सकता है। पुतन की औरत की तो गए मैंने लुट चुकी है प्रधान जी। काहे रे पुतन? देख रहे हो शिशुपाल बाबू, गए महीना आपके कंपेनियों के चक्कर में सब हिसाब किताब गड़बड़ाया गया। लगे रहो। प्रधान जी सीधे मुद्दे पे आइए। नरेश हमेशा अलाउंसर से जाके चिपक जाते हो, जैसे आप ही अकेले गणमान्य हो, हम सब तो लप्पू जना है। अरे मुद्दे की तो बात कर रहा हूँ, और कौन सी बात कर रहा हूँ, मुद्दा औरतन के बलात्कार का ही तो है। अरे बात तो कब का निपट गया हो, दरोगा साहब ने FIR दर्ज कर दी, डॉक्टर साहब ने मेडिकल कर दियो, BDO साहब ने एप्लीकेशन बना दी, तूने उस पे अंगूठा लगा दियो और मैंने विटनेस पे सही कर दी। अब सरकार से हमारे MLA साहब जुम्मन की लुगाई के खातिर जो हरजाना लाए हैं वह उसको देने का मुद्दा है। क्यों शिशुपाल बाबू, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? ये कौन है?
इसका नाम ओम प्रकाश है, हमारे अस्पताल में कंपाउंडर है। तो तुम ससुरे कंपाउंडर को भी ले आए मंच पर गणमान्य अधिकारियों के बीच? माफी चाहूंगा विधायक जी। क्या केस का हरजाना आप लाए हैं हुजूर? बा केस का सरकारी विटनेस मैं हूँ सुसुपाल बाबू। अरे का सुसुपाल सुसुपाल कर दो। अरे कहा यार ऊपर चढ़े आ रहे हो? हाँ तो भाइयों, जिन जिन की लुगाइयों का बलात्कार भयो वो अपना हाथ खड़ा करें। अरे बिशनवा तू कहाँ हाथ खड़ा की हो रे? तेरी तो शादी न हुई और तेरी लुगाई का बलात्कार पहले हो गया। अरे लुगाई का ना भयो, पर अम्मा का तो भयो पिछले भादो माँ। अरे अम्माओं की काउंटिंग ना हो रही, लुगाइयों की काउंटिंग हो रही है। देख रहे हो शिशुपाल बाबू, अम्माओं की काउंटिंग में मेहरारू का नाम देवत है और मेहरारू की काउंटिंग में अम्माओं का नाम देवत है। मतलब ये कि ये देश में कौनो सिस्टम कैसे फंक्शन करेगा। अरे चुप, मतलब मतलब भाड़ में गए हो तुम्हारा सिस्टम और भाड़ में गए हो जब पंसन। पूरे प्रदेश में तुम्हारा ही गांव है जहाँ पे पब्लिक कम और वीआईपी ज्यादा है। जे देखो, जे जिसे देखो मंच पर आके जम जाता है। हटो, मेरा मतलब समझो, पंसन की शोभा होता है पत्रकार से। इतनी भीड़ तो तुमने जुटाई ली, एक पत्रकार बुलाए ना मिलो तुम्हें। आइए। अरे पत्रकार सुसरो कहाँ मर गए हो? अरे यही कहीं पर लोड़ा खा रहा होगा। माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो, 1 2 3 1 2 3, हेलो। क्या कर रहा? आपका भाषण तो गया, वो तो एमएलए साहब के पास गए लाउंज। अरे छोड़। नमस्कार, मऊ से काऊ ने कही जे चिरौंजी गांव में अंग्रेजी भाषा के इंटरनेशनल पत्रकार आए रहे, अपने क्षेत्र की नाक न कटे जे करके मैं अपने दो शब्द अंग्रेजी भाषा में लिखवा के लाया। सुसुपाल बाबू, सुसुपाल बाबू, सुसुपाल बाबू। साम साम, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंटरनेशनल पीपल, दिस इज टॉक ऑफ बिग सेम दैट फ्रीडम मेनी ईयर आफ्टर आल्सो इन आवर कंट्री कास्ट पास्ट फाइट इज बाकी। सुसुपाल बाबू, सुसुपाल बाबू, सुसुपाल बाबू। रिचर पीपल रेपिंग पुअर पीपल, पुअर पीपल रेपिंग रिचर पीपल। सुसुपाल बाबू, सुसुपाल बाबू, सुसुपाल बाबू, सुसुपाल बाबू। चलो चलो, शिशुपाल ना बोल सका? सुसुपाल सुसुपाल लगा के रखा है, अपने एमएलए के नाम ठीक से ले ना सका? और चाहते हो कि सरकार तुम लोगों की मदद करे? तीन पन्नों का भाषण लिख के लाए थे, तुम चिरौंजी के डंगर जैसे सुनने के लायक नहीं। उधर नीचे ठंडा भिजवा प्रेस वालों के लिए। चलो उठो। जम्मन, हाँ, जी श्रीमती जम्मन, जाको गत मास बलात्कार भव वो मंच पे आ मैं और अपने सरकारी हर्जाने का चालान लेके जा। श्रीमती जम्मन, ई का दे रहे हो? हमका तो कह रहे कि नगद मिलोगो कैश। ना ना, ई ना चाहिए, लो पकड़ो। नगद ही मिलेगो जे रसीद है, अभी हम और प्रधान जी तहसील दफ्तर जाके तुम्हारी पहचान की सनद कर देंगे, फिर ट्रेजरी से नगद मिल जाओगे। अरे ना ना ना। अरे जे पर्ची ले और फोटो खिंचवा, बाकी सब हम जुम्मन के साथ तहसील जाएंगे, सब ठीक करवा देंगे। हाँ। अरे वो फोटोग्राफर कहाँ मर गया सुसरो? और फोटो आ जा बेटा, शाबाश, अच्छे से मैं ठीक आ रहा हूँ ना, एक और खींच ले। बधाई बधाई हो भैया, तुहार भी लॉटरी निकलाई। कहा लॉटरी लगे बे, और कौन हो तुम? हमरे बहनो ही हो जो कंधा पे हाथ धरती छुट्टे ही। साला तू हमका नहीं पहचान गया? अरे तेरे केस में बिटनेस हूँ, हम सही किया तभी पैसा मिला। तुम्हें का औकात है, वो देख ली हमने अपने। अरे उतार भगा दियो मेले साहब ने मन से। और सुनो, ज्यादा गणमान बनने की कोशिश मत करो, समझो? चल हट पड़े, हम जा रहे हैं एमएलए साहब की पड़का गाड़ी में तहसील दफ्तर। अरे छोड़ो ना, चलो जल्दी। साला
भलाई का जमाना ही नहीं है। तो प्रधान जी जरा सा रखिए। अरे भैया खोलो। हम कहाँ बैठे? खोलो। अरे प्रधान जी खोलो। प्रधान जी। अरे सब कुल हो गया इधर। कहाँ लद रहे ओम प्रकाश? डॉक्टर साहब जा केस में हमने भी तो कुछ किया है। आप सबन की तरह जमन्ना को आज जो हरजाना मिल रहा है वहाँ में हमने भी तो कुछ किया है। गांव वालों की नजरों में गणमान्य बनने का हक हमारा भी है। डॉक्टर साहब हमारी इज्जत का सवाल है, आप एक बार हमका गाड़ी में बिठा लो फिर गांव के बाहर जाके उतार देना। वो सब ठीक है ओम प्रकाश, अभी निकलो निकलो यहाँ से। आइए आइए पांडे जी, पहले आप बिराजिए। देखो ओम प्रकाश सामाजिक न्याय। एक काम कर, पीछे लटक जा। किस पे बाबू? अरे गाड़ी के पीछे लटक जा। सुनो कहा की हो इस केस के अंदर? अरे हम बिडियो साहब के पर्चे पे दस्तखत किए हैं, हम विटनेस हैं। विटनेस? विटनेस का मतलब जानते हो? विटनेस का मतलब बलात्कार तेरे सामने हुआ, अब तूने उसे रोकने की कोशिश ना करी, मतलब तू बलात्कारियों में शामिल था। अब बोल बनाओ केस तेरे खिलाफ। दरोगा साहब क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ औकात में रहे आम आदमी की तरह, अधिकारी और गणमान्य के साथ में बैठ के तो अधिकारी नहीं बन जाओगे, कंपाउंडर है कंपाउंडर ही रहेगा। अच्छा सुन, जितनी भी इस फंक्शन में कुर्सियाँ और तंबू बम्बू आए हैं गिन गिन के हमारे साले के गोदाम तक पहुँचा लेना, समझा? लगे रहो। जल्दी चले, समझ गया भेज दीजिए वापस जल्दी। बहुत दयालु है दरोगा साहब, देखा इसे कहते हैं तहजीब। सुना बोले गाड़ी खोलो भाई, अभी भेजते हैं वापस। सीधी बात आ, 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 अरे का इतनी जल्दी? और का तुहार बेटिंग करते है सारा प्रधान जी और सुसुपाल बाबू सब गुन्नाए रहे तो पे बोले कहाँ मर गयो ये पत्रकार? अरे रखे से टट्टी फिरंगाओ तो खेत खाएं, जाने कब की धरी पकौड़ियाँ खिला दें, खाती साथ पेट गुड़गुड़ करने लगो, भड़बड़ा के हाजत हो गई। द्वार चढ़ी बारात दूल्हा को लगी हगास। जे बताओ का भाव फंक्शन में? होनो का था, जे तय हुआ कि सभी गणमान्य अलाउंसर पे दुई दुई शब्द बोलेंगे, बाकी बात सुसुपाल बाबू जमन्ना की औरत को हर जाने का रसीद देंगे। सब लोग बोले ओम प्रकाश तुम भी दुई शब्द बोलो। हम कही नहीं, हम करने में विश्वास रखते हैं बोलने में नहीं। अच्छा जे बड़ी बात गुरु, नहीं तो जे तुम जैसन को स्टेज पे चढ़न ना दे और जैसे तैसे चढ़ जाओ तो जलील करके उतार देते हैं। तो से कुछ कही का किसी ने गाँव में? मुसो कोई का को? मैं सब जाना तो वो तो जवान से मात खा गो, जय मारे यहाँ रिपोर्टिंग कर लिया हूँ, नहीं तो टीवी पे नजर आतो आज तलक पे ऐसे। अच्छा अरे अपने को इतो बड़ो पत्रकार समझते हो तो तुम ही काहे नहीं हरजाना दिलाना शुरू कर देते गरीब लोगन को, हैं? और बन जाए एमएलए, मोई करने कोई आए तो मैं दिलवा दूं। बा में काहे, वो तो मैं हकलात हो, जय मारे लोग मोई चुरकुट समझा थे तो ही का लगा थे, जो बलात्कार को कंपलसेशन अधिकारी दिलवाते कद्दू वो तो सरकार वैसे देती है, उमे जे अधिकारी सील छप्पा लगा के अपनो नाम लगा देते हैं ताकि लोग इन्हें वीआईपी समझे, लोगों को जानकारी ना है जरा सो खेल है जो कंपलसेशन को। अरे भैया तुम अभी मेरे साथ अस्पताल चलो, हमका इतना अफसोस हो रहा है कि इतने बड़े पत्रकार का पेट गड़बड़ा गयो हमारे गांव में आके। चल मैं तुम्हें अंग्रेजी वाली दवाई देता हूँ फ्री। अरे नाना बहुत लंबो पड़ा है तुम्हारा अस्पताल, हमारी दुनिया में इतना पेट्रोल ना है। अरे पेट्रोल की काहे चिंता करते हो, हैं? इलो इलो ये पेट्रोल पूरे दे दो ना। इलो खुश, ये जो कंपनसेशन वाला खेल है ना वो जरा हमको बारीकी से समझाए दो। हीरो हीरो हे 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 आ हा हा।
होंडा चलाए फाए फाए ये लौंडा अब हीरो है। हे हो जाओ भैया दाएं बाएं ये लौंडा अब हीरो है। भैया दाएं बाएं ये लौंडा अब हीरो है। हीरो को मिल गई है जब से ठेकेदारी चढ़ गई है उसके भी सर पे रंगदारी रंगदारी रंगदारी। दुश्मन कर रहे हैं हाय हाय ये लौंडा अब हीरो है। हो जाओ भैया दाएं बाएं लौंडा जी अब हीरो है। अरे अच्छो सपनों तो टूट गाओ। कमरू ठेके मिलते हैं। तू लग रहा है काम की जरूरत ना रही है। अरे भगवान की बड़ी कृपा जो तुम मिल गए कनुआ। ये साइकिल साली आज फिर धोखा दे गई। जाको कंधा पे उठाए 5 कोस से भजवा रहा हूँ। टक्कर तो निकल गाओ आपका फायदा। तुम्हें नाके तक छोड़ दे यार। उतने से मैं ट्रैक्टर पकड़ लूंगा। जितने मजन की जड़ रही पार्टी के उठते चढ़ा के भेज दे ट्रैक्टर में। जा तू आज ऐश कर जा। अरे यार कनुआ यार पैसन की जरूरत रही आज यार। इतने लोग मैं ठेकेदार काट है। का काट है हूँ ठेकेदार। जय बात जय पकड़। और जाके अपन साइकिल ठेक कराए लो। और कल काम चाहिए आ जाइयो टेम से टेम से। चुप करा हरामी अंखों। भाई भाई चिल्ला रहे। लाग रहा हुआ आज भी काम ना दो ठेकेदार ने। जे छोरी पिता जा। हाँ। ओ बड़ो भारी ठेकेदार बने ससुरो। कल तक हेल्पर थो मेरे नीचे। शादी में स्प्लेंडर का मिल गई ठेकेदार बन बैठो। और 1 साल हमें 16 साल में एक अठन्नी ना दे तेरे बाप ने। काय बात की दे तो अठन्नी। बड़ा महारानी बना के रखे तू बाकी लौरिया को। ब्याह में इतने जेवर चढ़ाओ तो सब बेच बेच के शराब पी गो। मैं पी गो शराब तेरे जेवरन की। तेरे बाप तो पी गो पी पी के मर गो हरामी। अरे पी पी के मर गो पर तेरे बाप जैसी 3-3 लुगाइयां ना करी उसने। उनने ना करी ना तो तू कर ले। चल ले दूसरी का पता जेवर सिलेंडर गाड़ी मिल जाए तई बन जाइयो ठेकेदार। तेरी अपनी लौंडिया पे लायक हो रही है। देखूंगी कितनी सिलेंडर गाड़ी देगा तू बाको। रोटी खवाना भारी पड़े हैं सिलेंडर गाड़ी के सपनों देखोगे।
अभी कबाबी। ऐसी कटकटी औरत मिले? जब से इस घर में आई ना, एक रोटी चैन की नहीं खाई। कलेश कलेश, आदमी शराब का नहीं पिएगा, सुबह से शाम तक कलेश। अरे शराब का जहर पी जाएगा। चुप 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 हो जा, तू फिर भगाओ दुकान से, भाग के ना आया हो। लाला ने छुट्टी करी है। घर ने शाम से नीचे आज के रियोते सहर से कोनो इंस्पेक्टर आयो है चेकिंग टीम है। जिस दुकान में बालकन को काम करते देखियो है, वो बाका लाइसेंस कैंसिल कर दियो। ए अम्मा, 2 रुपया देना, मच्छी का चारा लाऊंगो। नबिया रसोली गयो है, नदिया पे कोई नहीं, सारे लौंडे उत्ते में मच्छी पकड़ेंगे। यही सब चोट्टा गिरी करियो जिंदगी भर, पिसाड़ियो जेल में। चुप जा चुप जा लल्ला, चुप जा चुप जा चुप जा चुप जा। 2 रुपए चाहिए ना? आ जा आ जा, मैं दूंगा। आ जा आ जा, मच्छी खा लो ना। आ जा बेटा, हाँ मैं दूंगा तुझे। 2 रुपए चाहिए ना? मच्छी खाएगा तालाब पे, हैं? आ जा आ जा, तो एक अलगो मुझे पता ना चलेगा तूने जामे से घूट मारी कि नहीं। मन्ने है? मारी बाप की बराबरी करेगा, हैं? अम्मा, अरे आने में सभी तो नहीं है, उड़वा सीन जाओ है, मुझे छुट दो ना चाहे। पापा जी, गूंगी कह रही है मैं अपनो नाम प्रियंका रखूंगी। गूंगी कब से बोलने लगी? बोलती ना है, लिख के बता रही थी। मेरे लौंडे को मार के भजा दो, है? मेरी कोई सुनता ही नहीं। जले पाए जाने करी है? हाँ लिखाई पढ़ाई घर में ना है, बाहर करते बेटा। हाँ कहाँ रे जमुना? हाँ आज तो लग रहा दावत है पड़ोस ने। काहे की दावत? अरे जे मुर्गी जे अंग्रेजी बस जे ही है, खुद खाऊं या मोहल्ले को खवाऊं? शाबाश, लगा उधर अंदर कोने में। अरे जेब में जो माल बटोर लाए हो तहसील ऑफिस से बाकोई थोड़ा ढीलो कर दो, ये तो सारे ही भूखे हैं। क्या सारे भूखे प्यासन का ठेका लिए हो का? मुर्गा खाई है। अरे राम भाई, किससे दावत की आस लगाए बैठे हो आप? जमन्ना कोई को ना पहचाना। जाको मिल गए नोट, बाकी मन में आ गई खोट। अरे जमन्ना कम खाइयो, नहीं तो लोटा लेके पूरा दिन झाड़ी के पीछे पच पच करोगे, समझ रहा है? लो भैया, गरम गरम उतरवायो है मक्कू के ठेले से, एकदम फ्रेश ना। भैया तुम खा ले, मेरो मन ना है। मन ना है? अरे मैं बेकार 2-2 डोने लायो। मैंने सोचा भैया इतने दिन बाद राम बच को देखो है, बैठ के 2-4 पकौड़ी खाएंगे, हैं? मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। ले पकड़। क्या बात, आज हमरे राम भट्ट भैया को मन थोड़ा उचाट है, कोनो बात हो गई? ये सालों कनुआ अपने आप को ज्यादा ही समझने लगो आजकल। अरे समझेगा काहे नहीं, मजूर से एकदम ठेकेदार बन गयो। और जम्मन को देखो, अभी 2 घंटे पहले 50,000 मिले, साले को कलर चेंज हो गयो। जम्मना को 50,000 मिले? नकद। देख लो, सब उड़ा देगा मुर्गी और दारू पे, फिर हमारे ही संगे बैठो मिलो को मजूरन की लाइन में। यही तो बात है, जब चाहे लोगों को सरकार इतो पैसे देगी तो यही तो होगा। मुँह से पूछ तो मैं बता तो, पहले स्प्लेंडर उठा और पार्टियन से डायरेक्ट ठेके पे काम ले। भैया ओम प्रकाश,
आदमी गाड़ी से उतरते तो बाघ को अलग ही फर्क पड़ा थे। लगे रहो। कनुआ हरामी ने जेल तो करो है। भैया राम भट्ट, एक बात मुझे समझ में ना आई आज तलक। क्या? तू तो समझदार है, काहे इतना पीछे रह गए? अरे चिरंजी के सारे गमार विकास कर गए, पर तू वहीं का वहीं। मेरे को मतलब है कि तू काहे स्प्लेंडर गाड़ी नहीं ले लेता। अच्छा तो तू भी मेरी खींच रहे हैं ओम प्रकाश है? जा साले नहीं खानी तेरी पकौड़ी। अरे जरा ठंडा रहे भैया। साले जेब में तो 5 का नोट नहीं है, 50,000 की स्प्लेंडर मेरे ससुर देखो कि चाय के? अरे ससुर काहे देखो, सरकार देखो। अरे भैया बहुत जल्द गुस्सा आता तुम। अरे सरकार ससुर काहे देने लगी मैं कछु? काहे नहीं देगी है? जमना को नहीं दिए? अरे सरकार तो देने को तैयार है, कोई लेने वाला भी तो होए। अरे जमना के लुगाई के संग इतना बड़ा कांड होगा इसलिए। तो वो कांड तेरे साथ भी हो सकता है, समझा? अरे औरत का सिर्फ जमना के पास है, तेरे पास ना है? तेरो दिमाग चल गया ओम प्रकाश? अरे तुम्हें पतो है जमना की लुगाई के संग है का भाव तो? अरे पतो है, जरा सी लुटी और का भयो? लगे रहो। जरा सी मतलब मैं भी अपनी औरत की इज्जत उठा लूं, नाक कटा लूं दुनिया के सामने है? अरे तू वो समझ गया हुआ है ना पूछना? अरे रुक जा है चल सेवा पगला आ गया ससुर का के जा रहा है कंपाउंड में। अरे रुक साले, रुक जा साले, जन सेवक बने फिरते हैं साले। जा मार रही तू जिंदगी पीछे रह गयो, कोई तो समझाए का कोशिश करे तू बाप ही हाथ छोड़ दे तो। बाहर निकल मैं बता दू तो कि कितो समझ आऊ मोए? अरे मैं तो अपने दोस्त समझे तू? तू मेरी इज्जत बचाने की बात कर रहा है? अबे तेरी इज्जत बचाने की खातिर मैं कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तुम्हारी इज्जत तो रोज डूबत है, जब कनुआ ठेकेदार के सामने मजूरन की लाइन में बैठा था और बच्चों को रोटी खिलाने खाते लोगों से 10-20 रुपए मांगत फिरे तो। अरे गांव में देख कितने लोगों की लुगाइयों के साथ बलात्कार भयो, इसकी इज्जत डूबी? जमुना की, पुतना की, बिछना की, या वो लंगड़ किसनवा की? अरे जाके देख उन लोगों की इज्जत तुमसे कहीं ज्यादा है। अरे इज्जत नोट में होता है, कोर्ट में नहीं। समझ मिली आ तो तेरे को एक बात, तो आम खानो है कुठरी किन्नो है? पूरी दुनिया स्प्लेंडर गाड़ी देखत है, ऑटोमेटिक इज्जत करने लागत है, कोई ये नहीं पूछत कहाँ से लाए ये गाड़ी। गाड़ी है तो तू ठेकेदार, नहीं तो तू ही पैसन का मजूर। तेरे को पढ़नो आतो तो मैं बोलतो पीछे देख दीवार पे कहा लिखो है, लिखो है जब सारी दुनिया ले रही है तो तू कहे नहीं? पीछे मुड़के तो देख जरा दीवार की तरफ। सरबतिया जी है, तेरी साड़ी में भरो है। लल्ला ने आग दो, सुबह से पेट ठीक ना है आपको?
बंद हो गया। कौन है? कौन है? मारियो मत, मारियो मत। कांड कौन करे को? कांड जाके बाद सरकार वोट देते लगे रहो। अच्छा तो तू ठेकेदार बन के रहे हो है? तू करेगो का? तू मैं इतना नीच पापी समझे तो अन्ना जी की कसम, अगर कोई और होता ना अनशन पे बैठ जाता भाई। तू कौन होगा वो नीच पापी? अरे ढूंढेंगे कोई भलो इंसान फॉरवर्ड क्लास को। तेरी नजर में कोई है तो बोल। अरे ये तो ब्रह्मचारी है। रानी साहिबा आज्ञा हो तो फुनवा राजा साहब को दे आए। कहाँ है बुढ़ऊ? बाहर कमरे में बैठे वही खाता देख रहे हैं। जा, दिया जिसे मेरी खोपड़ी पे रख के चले जाते हैं। बच बच के कान बहरा कर दिया। ये नहीं कि कभी समझा दे इसे चलाते कैसे हैं। और नहीं। हेलो कौन? पिताजी प्रणाम, बंबई से बोल रहे हैं। किसका फोन है? अरे कुंवर जी का है। क्या बोल रहे हैं कुंवर जी? अभी तो पिताजी प्रणाम ही बोला है। हाँ बोलो बेटा। सुबह से चार बार फोन कर चुके हैं, आप लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। बेटा वो चिंतामणि की उम्र हो गई है, वो जब तक फोन लाता है कट जाता है। पिताजी कट गया था तो आप फोन कर लेते। बात यह है कि क्या कहते हैं वो फोन में बहराना पड़ता है। टॉक टाइम। अरे नहीं क्या बोलना? रिचार्ज। हुजूर बैलेंस। बैलेंस बैलेंस। पिताजी अगर बैलेंस खत्म था तो भरवा लेते। अब तुमसे कहा छिपाना। पोजीशन थोड़ा टाइट चल रही है और माँ की दवाइयों का भी खर्च होता ही है ना बेटा। लेकिन पिताजी आजकल तो 10-10 रुपए के कूपन मिलते हैं। क्या? अब राजा साहब का मुलाजिम बाजार में 10 रुपए का बैलेंस भरवाने जाएगा, प्रजा क्या कहेगी? आप भले ही बंबई में रहते हैं पर ये मत भूलिएगा कि आप आते किस खानदान से हैं। जी अच्छा पिताजी, हम फोन इसलिए किए कि इस महीने पैसे भेजने में मुश्किल होगा। हम तो कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे थे। बाबूजी, आप बस एक महीना मैनेज कर लीजिए। हम बिजनेस बदली किए हैं। हाँ बाबूजी, हम रखते हैं। प्रणाम। रखती हूँ। क्या बोल रहे थे कुंवर जी? पूछ रहे थे कितना पैसा भेजने। तो आपने क्या कहा? क्या कहते, हंसी आ गई? हाँ, मुझे तो कोई हंसी सुनाई ना दी। अरे मन में हंसे थे इसलिए सुनाई ना दी। अब मन में लाउड स्पीकर लगा दे। अरे राजा है, फूलों की तरह ठट्टा मार के हंसना शोभा देता है।
कौन है? हम है राम किरौजी से, राजा साहब के पाए लगना हो। अरे मना कर दो चिंता मणि, इन पाए लगने वालों के चक्कर में ही हवेली में एक पाई ना बची आज। राजा साहब विश्राम कर रहे हैं, को तो ना मिलेंगे। ये तुम गलत कर रहे चिंतामणि, हम राजा साहब की प्रजा हैं, उनको पता चले कि तुम उनका धुतकार के भगा दिए बहुत गुस्साएंगे तो। चिंतामणि हुजूर ठहरो। वीर शूर वीर महावीर हिंदपुर, उठा देख दिखा देश तेरा हौसला अटूट, प्रबल प्रखर प्रचंड तेरा शौर्य है अपूर, दे दहाल जो देखाल। जयकार हो साथ पे जो बात हो तो यलगार हो। आ जाओ। चाय भाई पूछे तो मना मत करियो। जीते रहो जीते रहो, खुश रहो। अरे चिंतामणि, तुम अभी तक डाकखाने नहीं गए पैसा निकलवाने? डाकखाने? अब बस हुजूर जाने वाला था। क्या करते हो चिंतामणि? अब बताओ, हमारी जेब में एक रुपया नहीं है। अब कोई आ गया कुछ मांगने के लिए तो हम उसे क्या देंगे? तुम्हें कुछ याद नहीं रहता आजकल? माफी चाहता हूँ हुजूर, आपको भी तो ना याद रहता है, हवेली भीतर एक से एक जोड़ी कपड़ों पड़ो है आपको, पर आप कोई फटो पुरानो जोड़ो बार बार डालते। नया ले आऊं हुजूर? अब रहने दो। हाँ कहो, कैसे आना हुआ रामबच? एक बिनती लेके आओ तो मालिक। बिनती? एक काम कराए कथा। काम? सरकारी काम तो जी। जी मालिक, ओम प्रकाश है, सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर है। कंपाउंडरी तो मैं मजबूरी में कर रहा हूँ हुजूर, मेरा असली शौक तो जनसेवा को है। राम भज का ये पहला केस हाथ में लियो है, बस ये समझ लो कि जाके साथ ही मेरे नए बिजनेस का श्री गणेश होएगो। हम क्या कर सकते हैं आपसे, इतना चाहते हैं हजूर के। तो बताओ ना। एक बलात्कार कराए का था। फुसा रहा है ये पुतैया। चंपक जी हुजूर, बस यही नाटक है इनका। दरवाजा बंद कर लिया, पता नहीं कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं ये। अनपढ़ गवार, भैंसिये की जात, कोई भी शब्द कहीं भी चिपका देते हो, ये भी नहीं देखते किसके सामने क्या बोल रहे हो और जो बोल रहे हो उसका मतलब क्या है। अरे भैया, तुम इतने ही खड़े होके बंदूक साफ कर रहे हो, हैं? फायर हो गया तो कैसे होगा? जहाँ मैं गोली कहाँ है? तो फिर ठीक है, उधर जाके दूर जाके बैठ के साफ कर लो भैया, जहाँ मेहमानन के मुंह पे निशाना लगा के साफ कर रहे हो, अच्छा लगता है का? अरे जाओ चिंतामणि जाओ। जी हुजूर। नाटक ही रचना है तो हमारी जरूरत कहाँ है, किसी से भी करवा लो। देखा हजूर, आप जैसे अमीर महापुरुष हो के गरीबों वाली बात बोल गए। अब डॉक्टरी विज्ञान ने कितना तरक्की की है इस बारे में मुझे आपको बताने का जरूरत तो नहीं है। बलात्कार के बाद मुद्दई का मेडिकल होएगो,
जाके बदन से डॉक्टर संपल निकालेगो। अब मान लो कि संपल की जांच हो गई और सरकार को पता चल गयो कि जे संपल खालिस अमीर वालों का ना है, तो पूरा बलात्कार फेल हो गयो कि नहीं? संपल? हाँ जूर, संपल। संपल? हाँ, अब अमीर आदमी के संपल और गरीब आदमी के संपल में कुछ तो फर्क होएगो कि नहीं? निश्चित रूप से होएगा। अमीर और गरीब भगवान ने सोच समझ के ही बनाए होंगे। हाँ। खून में कुछ तो फर्क डाला ही होगा। हुजूर, इसीलिए हम चाहते हैं ये शुभ काम आपसे करवाया जाए। ये पता लग जाता है कि सैंपल किसी शाही खानदान का है तो इस क्षेत्र में खानदानी लोग बचे ही कितने हैं? अरे बात तो हम तक पहुंच ही जाएगी। नहीं पहुंचेगी हुजूर, विज्ञान ने इतनी भी तरक्की नहीं की है अभी। ज्ञान तो जे होने वाला है कि मुंह पे कपड़ा बांध के आए और पेल कर चले गए, शक्ल ना देखी। आजकल यही स्टैंडर्ड ज्ञान चल रही है हुजूर। आप काहे फिक्र कर रहे हो रामबज भैया, पैसे की बात कर लो। मालिक, जो पैसा मिलेगा बामे से 5,000 आपके चरणन में चढ़ा दूंगा। नहीं भाई, हमको माफ करो। इस उम्र में अधर्म की गर्त में गिर जाए 5,000 के लिए? नहीं नहीं हुजूर, जरा बात को समझो। आपकी जरा सी मदद से इस बेचारे का जीवन सुधर जाएगा और इसके बीवी बच्चे जिंदगी भर आपको दुआ देंगे। हमसे नहीं होगा, हमें ऊपर वाले को मुंह दिखाना है भाई। नहीं तो दिखाएंगे हुजूर, 7,000 ले लीजिए। बोलिए। अच्छा 10,000, इससे ज्यादा ये बेचारा। तो आपकी इस आवाज को हाँ समझूं हुजूर? बलात्कार किसका करना है? जाको लुगाई का हुजूर, और किसको? हम मिल चुके हैं तुम्हारी लुगाई से। गए साल मालकिन की मालिश को आती थी हवेली में। अच्छा, वो बड़ी सी पिछाड़ी रही उसकी, याद आया। अब सब फिक्स हो गया हुजूर, अब जैसे ही दिन फिक्स होता है हम आपको बताए दे। बाय लागी, चल भाई उठ। अरे टुकुर टुकुर कहाँ देखो, तो चलो उठो। आज तेरो इतना बड़ो काम हो गयो फिर भी मुंह फुलाए चल रही हो है? का बड़ो काम होगा का? अरे इतो शरीफ इतो बलात्कारी तो मिल गयो, जाको तू छोटा काम समझो तो। कितने शरीफ है देख लो। हम जिंदगी भर इनके पाए लगाते रहे जी, हमारे लुगाई की पछाड़ी देख रहे थे। दिल खट्टो होगा ओम प्रकाश मेरे यार, मुझे ऐसा लग रहा है। चुप, दिल खट्टो हो गयो साला, तुम्हारा दिल ना हुआ ससुर लोकपाल भी हो गयो, जब देखो कटाई में पड़ा रहता है। अरे तो कहा हुजूर से बलात्कार करवानो है कि सत्यनारायण की कथा करवानो है? हैं? बोलते काहे नहीं, बोल ना। बलात्कार? बलात्कार फिर? अरे बलात्कार करवानो है तो अगाड़ी पिछाड़ी का देखो तो। ससुरा सरकार तुम लोगों का स्टैंडर्ड उठाने के लिए मरी जा रही है और तुम लोग अपनी औरत की पिछाड़ी पकड़ के बैठे हो। बैकवर्ड का यही मतलब है। पुराने जमाने में बड़का लोग बलात्कार करते थे बाको छुपाने के लिए, तुम लोगों को पैसा देते थे। अब बड़का लोग बलात्कार करते हैं तो बाको छुपाने के लिए तुम लोग पैसा देते हो। भगत का पहिया कैसे घुमायो है सरकार ने भैया, मान गयो। ये बात तो सही कही ओम प्रकाश। हाँ, जिंदगी में पहली बार मालिक मेरी नौकरी करेंगे। हाँ जे, देखा फिर? और तुम 10,000 काहे बोला है उनको? अरे इतो बड़ो कुकर्म करवा रहे हो बुढ़े से, हैं? बा मर के ऊपर जाएगो, यमराज बा को गरम तेल की कढ़ाई में फ्राई करेगो,
तो दर्द झेलेगो तुम्हारे लिए और तुम बा के लिए 10,000 ढीला ना कर सके तो। अब तुम 10,000 बोलाए मालिक को, 5 अपने रखोगे तो गाड़ी का 35 में दिलवाओगे। अरे मैं 35 में दिलवाऊं या 75 में दिलवाऊं तो एक तो अगर गाड़ी चाहिए ना स्प्लेंडर गाड़ी मिल जाएगी, तू फिट रहे। औरत को फिट करे हो कि नहीं तू का फिट कर, समझ गयो? चल होगा वो। आज कछु कम लगी मौजूल हम डेंगू, आज भी घर ना आओ, 2 दिन से बच्चा की शकल ना देखी। डेंगू आगे फिक्र ना कर, नबिया कने रह रहा है मजे में, इतना का दे बात है बालकन को, दुखी सुखी और का। बाहर की गिजा में मुरवत थोड़े न मिल जाएगी जो घर की रूखी सूखी में मिलेगी। यही तो उम्र है जब बच्चन को अपनी हैसियत में रहने की बात समझाई जाते। जैसे अच्छो जीना है हम अपनी हैसियत बदल लें। भगवान ने चाहा तो वो भी बदल जाएगी। भगवान तो चाह ही रहा है पर इंसान को भी तो कोशिश करनी पड़ेगी कि नहीं है? अब जमना को देख, बाकी घर रोज मटन मुर्गा बन रहा है, बाकी घर वाली चिनट्टी हरामजादी एक नंबर की, इतनो सब कुकरम हो गए वाके साथ और फिर भी ऐसा बन सवर के निकले जैसे कहीं की महारानी हो। मेरे साथ कुछ ऐसे हो गए हो तो ना तो बालकन की कसम फांसी लगा लेती और बासे पहले जिस हरामी ने मुंह पे हाथ डालने की कोशिश करी होती ना उसी को हसीया से काट डालती। बड़े आए जमुना के घरवाली को देखो, घरवाली को देखो, अपनी घरवाली दिखत ना है, जमुना की घरवाली दिखे। रोज मछली मटन खाने को मन कर रहा है तो लाए का ही नहीं, किसने मना करी? तू तो बात बात पर डराती हसी चलान की बात करने लगा थे, जाने देख रही बा कांड के बाद जमुना की हैसियत कितनी ऊंची हो गई गाँव में। तो उसे ज्यादा इज्जत है बाकी घरवाली की गाँव में, नए मान तो पूछ के देख ले। मोए किसी से पूछने की जरूरत ना है, मोए अपना बहुत दिमाग है, कुत्ता सुअर देते होंगे ऐसे लोगन की इज्जत, मैं तो थूकू भी ना ऐसे लोगन के मुंह पे। कुत्ता और सुअर ही है दुनिया में, जे ये देवी बची है कलयुग में, मंदिर में जाके बैठ जा आरती उतारेंगे तेरे लोग। का कही? अरे कच्चू ने सरबती अब तेरे हाथ जोड़ा थू, सो जा, बहुत हार्ड फेल करा दो तूने, अब और मत करवा, सो जा। घर के चूल्हा में आज कम लग रही है, जे कहीं नहीं कहते कि छिनट्टी के चूल्हा में रोटी सेकन को मन कर रो है। झमना की लुगाई का ना मंदिर बनवा लो, आरती उताना सुबह शाम, देवी है ना देवी पूरे गांव की, सब मिलके पूजो। तुम लोगों की जिंदगी में सिर्फ तड़पना लिखो है, तरक्की नहीं। अरे काका नहीं किया मैं तोरे लिए, बाद दिन राजा साहब मेरे मुंह पे पात दिए, मैं जरा सा भी कुछ को सारा छोटो मोटो आदमी होते ना बेहोश हो जाते। मैं बोले छोड़ो, अरे भगत सिंह देश की खातिर फांसी पर चढ़ गया हो, मैं जरा सा पाप नहीं सुन सकत, पर नतीजा क्या निकलो, नील बटे सन्नाटा। चलो तुम लोगों का दवाई मिल गया हो, अब जाओ 3 दिन बाद आना, दवाई ठीक से पिलाना बच्चों को, चलो जाओ। ठीक चल बैठ रहे तू, तुम लोगों की सेवा की कोशिश में मैं बूढ़ो हो गयो, पर तुम लोगों की सेवा कैसे की जाए जाको फार्मूला ना मिले मुझे। बोलो जय सिया राम, 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 जय। बस चलो शाबाश, ये चिरंजी के चिरकुट कब कौन सी मुसीबत खड़ी कर दे, जा को अंदाजा न लगा पायो मैं, और कहीं हो तो प्रधान ना सही उप प्रधान जरूर हो, तो आजकल के छोटे छोटे लौंडे मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं। अरे यार ओम प्रकाश,
थोड़ा ठंडे में बात करो ना यार भैया। कहा ठंडे में बात करो? अरे बहुत भारी रात गुजार आया हूँ मैं। क्या हुआ? अरे मुहे का पतो तो बात दराती हसिया चलान की बात करने लगी। का बोली के बलात्कारी के काट के टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगी। मेरो नाम तो नहीं लियो तूने? अच्छा क्या भैया जी, कत्ल पे कछु ना दे रही सरकार? देते ना, काहे नहीं देते? लाखों देते, पर पाकिस्तान की सरकार देते। उते भेजे अपनी लुगाई को आतंकवादी बना के, लखपति हो जाएगो। ओम प्रकाश का? अरे भैया तुम यहाँ किससे का बतिया रहे हो? घंटन सने आए? अरे हमरे सुई हुई लगे का है तो लगा दे, हमका छुट्टी दे दो। अरे छुट्टी हम कैसे दे दें? छुट्टी तो ऊपर वाला देगो। हमका काम पे जाए का है। अच्छा ठीक है, दो मिनट बैठो, अभी लगाते हैं। अभी लगाते अच्छा, अब क्या करें बता? तेरे लौंडो का नाम क्या है? डेंगू। डेंगू? 2 साल गांव में डेंगू फैलो तो ना। और छोटे वाले का? छोटे वाले को अभी रखो ना है, लल्ला लल्ला कहते हैं। बाप को नाम तू स्प्लेंडर रख, क्योंकि दूसरों स्प्लेंडर तो अब तेरी जिंदगी में ना आए हैं। जा 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 काम पे जा। लव हाथे में ना लगाओ, हमका कुदाली चलाए का है ना, ये हमरे चूतड़ में लगाए। अरे ससुरा, तुम लोगन के चूतड़ देख लो, ही हमारे नसीब में लिखो है। ला सरकारी काम के पैसे नीचे से लहीच, नीचे से नीचे से खा दे रहे हो, सामने से तो सब जाना जाने था तो भूल जाना। हाँ? थोड़ा और दो। और हाँ काहे? अरे है दो, महंगाई इतनी हो गई है, दो दो। अरे अरे लाइए प्रधान जी, लो अब। हाँ नरेगा चल रही है तो चलने दो। अरे सिमाल के लिखियो, मिल्लत समझा कर हो जाओगे, हो जाओगे। कहाँ रहे हो इतने दिन, दिखाई नहीं दिए? जा नरेगा की परियोजना चल रही क्षेत्र में, बाकी कवरिंग कर लिया हूँ। जय मारे चुरन जाने में विलम्ब हो गयो। कवरिंग कर रहे हो कि कलेक्शन कर रहे हो? हैं कलेक्शन भाई, मैं विलम्ब हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे हम साफ साफ देखो है, का देखो है? फोटो भी है हमारे पास। अच्छा हाँ, रुपया खीसर में ठूसते हुए तो जाओ, कर दो मोए बदनाम, निकलवा दो मोए नौकरी से। कवरिंग तो कराता रहो इतने साल से, कलेक्शन तो अबे शुरू करो है। इतने दिन से सबको समझाता रहो, सरकार ने दिहाड़ी तय करी है आप लोगन की, लेकिन नहीं 40-50 रुपए में अंगूठे लगा के चले जाते हैं। पूछो क्यों? क्यों आराम जो मिल रहा है हराम कोरन को। सुबह आते हैं, रजिस्टर में नाम लिखवाते हैं, 4-5 कुदाल मारते हैं और दिन भर पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं बीड़ी पियत। शाम होते ही अंगूठा लगाते हैं, हराम की 40-50 रुपल्ली लेके चले जाते हैं। तो भैया भाई फोटो तारी है, निकाल दो मोबाइल से। फोटो में निकाल दूंगो, पर एक डिस्कशन करना है। डिस्कशन? अरे भैया बू ना चाहिए। देखो जो कॉम्पनसेशन का खेल तू समझाए रहे ना, वो मैं एक तो पेच अड़ गयो है। चलो चाय के पैसे तुम ही दियो। चलो चाय पकौड़ी, बस बस ये लिए। स्कीम बताया भैया, मान गए। जल्दी आइयो। हाँ बस अभी आया। रामभाज, ए रामभाज घर पे ना है? कहाँ गए हो? काम पे गए हो? काम पे गए हो? हाँ। कहाँ है? अरे काम पे गए हो भैया, चलो काम पे। कहाँ है काम पे? अरे वहाँ चौक पे देखते हैं ना, बैठा होगा ससुरा उधर। लगे रहो, वो बिल्डिंग है बस यहाँ रुक जाइए का बस। अरे ओ भजना भजना, अरे यहाँ कैसे तुम भाई? अरे वो का छोड़, तू नीचे आ। अरे नीचे आ,
ई का इंतजाम हो गयो। ए कंपाउंडर वा चल चल हाथ डा ए ज्यादा मत ये कर समझा। अच्छा कल से जो काम पे ना आएगा का बात कर रहा हूं बड़ा ठेकेदार बनेगो भजना और ठेकेदार वो कर दो। ठीक है समोसा आराम से जियो थोड़ा आराम कर लियो घर में मैं नहीं आऊंगा बात। अरे अब तो बता दो बात का है ऐसी कौन सी आफत आ गई। ले ले ये डेमू के गांव में कोई टोटका कर रहा है। हैं हां तेरे पूरे घर पे कर रहा है। का बात कर रहे हो बाबा ने बताई ये बात जय मारे जिंदगी में अपनी तरक्की नहीं हो पा रही। बाबा बोला तुरंत बच्चों को गांव से बाहर भेज। अब टोटका भी काट कराऊंगा क्या जितने दिन लग जाएंगे। कितने पैसे मांग रहे हैं। है क्या पैसा बच्चों नहीं। हाँ ठीक है देखियो जब तू लौटेगी तो ही अपनी जिंदगी की काया पलट मिलेगी। भूमि बोलन लगेगी हम तो बोलन लगेगो। लो भैया अब की बारी जैसी तुमने कही वैसो कर लो। भेज दो लो भाई को मायके। वाह बहुत अच्छे। अब जी बताओ ये बलात्कार वालों खेल कैसे आगे बढ़े। अरे भजना तो अकल कब आएगी हैं? काहे? अरे तू बैलकार को बलात्कार बोल गयो। तेरे कहने का मतलब है बैलकार का खेल कब होएगा। ये बैलकार का होते भैया। अरे बैलगाड़ी ने देखी तूने? हाँ वैसे ही बैलकार होता है। अच्छा अच्छा पेट्रोल को दाम कितना बढ़ गयो तो सरकार ने बैलकार बनायो है। हाँ गरीबन के वास्ते। कितने बढ़ेगी? अरे तेरे कहने गैया है ना? गैया तो ना है तो फिर तो ना मिल सकत टांगा चला सीधे। गैया को तूने बाप के तबेला में भेज दियो। अब तू सोच रहा है कि बैलकार का खेल कैसे होएगो। यही कह रहा है ना ये जो पीछे आ रहा है ना लूना पे ये लगता छटांग भर का है पर है बहुत बड़ो आदमी। ये कराएगा इंतजाम नहीं गैया का। नहीं गैया? अरे तुम जानत नहीं हो सरबतिया को आफत खड़ी कर दे वो। अरे तुम सब्जेक्ट का नहीं हो हैं? किराए पे लाएंगे बस और फिर जैसे ही बैलकार का खेल खत्म हो गयो वो अपने गाँव हम अपने गाँव। और किराए पे कौन देगो? जितने जा रहे हैं छिठोरे वाले। रंडी लांग रंडी लांगे रंडी गैया में भी होते रंडी। अरे भैया तो क्या लगत है कि सबे गैया एक सांड की सगी होते हैं? ना हो तो ना है फिर पर तोरी बातें हमरे कुछ समझ में ना आई। समझ में कैसे आएंगी बस तू टांगा रोक है? रोक अरे अरे रोक। अरे 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 काहे रोक दिए काय रे तांगे वाले के सामने बलात्कार बलात्कार बोल रहे हो तो अब बोल काय बोल रहे हो तो। मैं बोल रहा हूँ तो कि रंडी मांगेगी पैसा एडवांस। हाँ तो गौरी शंकर संभालेगो ना। हर रोज गांव गांव घूमत है वो जाको सब लोग जानते हैं। 5,000 यही बात के तो ले रहे हो है। ये भी लेगो 5,000 तो नहीं लेगो रंडी का इंतजाम जो कर रहे हो है सस्ता मां। अरे यार ओम प्रकाश तुम भी हद करत हो मेरे पास का बच्चे को फिर। अरे देख एक तो बिना तेरी लुगाई का बलात्कार किए तेरी लुगाई का बलात्कार हो रहे हो हैं? जो मिलेगो फ्री में मिलेगो। अब ज्यादा चुदुर चुदुर मत कर तमाशा देख और पैसा लूट समझा। जे बजगो भोपू हटगो सिटोरा से कर्फ्यू फैल जाएंगे ससुर रायता की माफिक दिल्ली रानी के दर्शन को। जे का नाम हुआ भैया? जैसा नाम है ना वैसा काम है भैया। यहाँ के मजूरन की सरकार है दिल्ली रानी। पावर जिसकी दिल्ली रानी उसकी। राजा महाराजा जी जिले सुभानी भी अपने थे अरे बिरतानी रानी भी हरी पत्ती वाले और लाल पत्ती वाले और टेंपरेरी टाइम पास अपने हैं सारे
सत्ता की भाषा में सत्ता तमाशा है दिल्ली दिलासा है दिल्ली ठगे सत्ता की भाषा में सत्ता तमाशा है दिल्ली दिलासा है दिल्ली ठगे सत्ता की भाषा में सत्ता तमाशा है दिल्ली दिलासा है दिल्ली ठगे पावर दी तुमने तो पावर ली हमने अब पागल हुए और पावर दी तुमने तो पावर ली हमने अब पागल हुए लुट लुट के निखरा मेरा उसने है हिस्ट्री मुहाता है हिंद बना ब्यूटी है मिस्ट्री बेबी हूँ डायन हूँ डार्लिंग करती पर मैं जैसी भी हूँ हूँ मैं पब्लिक लुट लुट के निखरा तेरा उसने है हिस्ट्री मुहाता है हिंद बना ब्यूटी है मिस्ट्री लाल किले पे फहरा दे मुझे लाल किले पे फहरा दे मुझे तेरा झंडा है जोर पर पावर का तुम हो पहाड़ डियर तो आओ दिल्ली में दिल्ली तो गार डियर आओ दिल्ली में दिल्ली तो गार डियर बड़ी मुंह लगी है ये तो दिल लगी है जरा इससे बचो किसकी सगी है बड़ी मुंह लगी है ये तो दिल लगी है जरा इससे बचो किसकी सगी है बड़ी मुंह लगी है ये तो दिल लगी है जरा इससे बचो पब्लिक की पब्लिक से पब्लिक की खातिर पब्लिक न चाहे तो दिल्ली नचे और पब्लिक की पब्लिक से पब्लिक की खातिर पब्लिक न चाहे तो दिल्ली नचे पब्लिक की पब्लिक से पब्लिक की खातिर पब्लिक न चाहे तो दिल्ली नचे का बात कर रहे इतनी देर से अरे का बात घंटा बात कर रहे हैं यो अकेला है ना नाम का मस्का मार रहा है इसलिए उड़ रही है मेरे करने आए देख कैसे पार कर सकता हूँ साली के ओम प्रकाश आओ चल आओ जे है राम भज जाएगी लोगाई बनने तो तुम मेरा नाम खराब कराओगे पत्रकार बाबू और कछु ना है अब जे मजूरन के लिए मैं दूरदर्शन हूँ दूरदर्शन दूर से दर्शन करो और खुश रहो अब जे लुगाई वालो प्रोग्राम तुम्हें सिर्फ बी आई पिन के लिए करो तुम तो जानो तो अब वालो काम ना पी आई पी करेगो जाके तो तुम्हें बस लुगाई बन में को नाटक करने है बस कौन पी आई पी करोगो जे जे ना दूसरों वालों अपने जमाने के ना बहुत बड़े बहुत खतरनाक पी आई पी है वो ये तो ओम प्रकाश है बस ही समझ लो कि चिरौंजी के होने वाले प्रधान प्रधान हट 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 परे प्रधान जी तुम भी ना पत्रकार बाबू इम्पोर्टेंट वीआईपी से बाद में मिला तो देख चिरौंजी चल रही है नहीं तो दूसरों इंतजाम करो अब प्रधान जी मोहे खुद लेने आए हैं तो मैं मना कैसे कर सकूं बस मेरा पैसा टाइम से पहुंचा देना ठीक है ना प्रधान जी एकदम ठीक है एकदम टाइम पे पहुंचेगो मैं अभी भजना से यही कह रहा था कोई बात तो है दिल्ली रानी में जो तो लोग दीवाने हैं दिल्ली की रानी दिल्ली रानी बेटा तू कर तो का मैं ठेकेदार बनन को टराई कर रहा हूँ टराई मतलब पुताई करत है पुताई तो जे बोलना कि पुताईया है जे ठेकेदार ठेकेदार का कर रहे हैं ये भी तो कंपाउंडर है तू जाए प्रधान जी ना बोल रही का ए तू कंपाउंडर है मैं प्रधान बनने को पटरी पे ला रहा हूँ चल 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 परे के साथ ज़्यादा चिपक के बैठने की ज़रूरत ना है अब जे लुगाई के कपड़े तो पहना दिए माँ को अब जे भी बता दे माँ को नाम का है सरबतिया सरबतिया
मालगन के भी बताए दे कौन पूछ बैठे तो सबसे बड़े लौंडे को नाम है डेंगू बाकी बात एक लोरिया है इमली बाकी बात एक और लौंडो है सिर्री सिर्री बोला था बाको सिर्री पागल है बाकी अम्मा बाको प्यार से जाम दे बोला था एक जगह बैठे रहते ना इसलिए फिर एक और लोरिया है गूंगी गूंगी ऑपरेशन ना करा मिलो तुम नसबंदी बालकन की लेन लगा रखी है कराओ तो दो ही साल पहले फेल हो जाओ कहीं तो पांचों पैदा भाव बाको लल्ला लल्ला कहते हैं इतना ये ऑपरेशन फेल हो जाता है और ये वो है हमारे पंचायत मंत्री 15 साल से जोर लगा रखो है एक को बालक ना हो रहो पंचायत मंत्री को जानत हो दिल्ली रानी हूँ दिल्ली रानी सबको जानत हूँ दिल्ली की रानी हुजूर हेलो कौन ओम प्रकाश हुजूर पाय लागी ओम कौन ओम प्रकाश अरे ओम प्रकाश जन सेवक हुजूर कौन ओम प्रकाश जन सेवक अरे हुजूर बाद दिन राम भट्ट के साथ आपकी हवेली आयो तो अच्छा वो ओम प्रकाश कंपाउंडर बोल रहे हो कहो आज रात का तय हुआ है हुजूर कहाँ तय हुई है अरे अरे हुजूर अस्पताल के फोन से फोन लगायो है 40 लोग आसपास घूम रहे हैं आपका चिल्ला के बताऊं कि 10,000 रुपए में याददाश्त दिलाने वाली कितनी गोलियां आते हैं अच्छा अच्छा हाँ हाँ समझ गए शुक्र है भगवान का तो हुजूर सूर्यास्त के बाद सन्नाटा छा जाएगा आ जाइएगा से का मतलब हमारे रुतबे हमारी हैसियत का ख्याल है कि नहीं एक अदद सवारी तो लगेगी ना हमें तशरीफ लाने के लिए ठीक है हुजूर बाकी भी इंतजाम हो जाएगा गारंटी अरे सवारी से मतलब हमारा बग्गी या कार से था तुम्हारी इस खटारा बाइसिकल से नहीं यहाँ से बड़का सवारी ले आते तो लोगन की नजर में आ जाते बनो बनाओ खेल बिगड़ जाते ओ हाँ तुम्हारी घरवाली तो तैयार है एकदम तैयार है मालिक जेवाली तो हर वक्त तैयार रहते जेवाली का क्या मतलब मालिक वो मतलब आई मलिक आई अरे आ गए आई आई जो पाल आ गई हुजूर आई आई का सांस चढ़ रहे हो है क्या हुआ 4:30 को साइकिल पे बैठे आए हैं बोल रहे पिछवाड़ों को चूरन होगा वह आप लेट जाओ हुजूर लेट जाओ थोड़ा सुस्ता है लो कोनो जल्दी नहीं है लेट जाइए लेटिए हाँ बस बस हाँ ए तेरे पीछे पंखो है और सुन देख मैं अब निकलता हूँ कांड के वक्त मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है दिल्ली रानी को सब समझा दियो है उका पास फोन भी है कांड हो जाए तो मुझे फोन कर देना अस्पताल में मालिक अरे जब तुम्हारी लुगाई हवेली आई रही तभी ये योजना बना लेते तो कितना आसान हो जाता समझो ना मालिक मैं अरे लोगन को पता चल गई
तो हमारी नाक कट जाएगी। अरे को ना पता चलेगी मालिक, जब बलात्कार की बात बस आपस में रहेगी। हम बलात्कार की बात नहीं कर रहे, बलात्कार से भी कभी राजाओं की नाक कटी है। हमें डर है कि लोग जान गए कि राजा साहब बाइसिकल पर सवार होकर आए थे, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? सोचो। चलो काम शुरू करते हैं। कहाँ है इंतजाम? अंदर कोठरिया में। फागी फागी मत बोलो अब। तो कहाँ बोले मालिक? अरे कुछ भी, सुनकर जिससे चिनकार ही भड़क गए। वो का है ना मालिक, मोए तो सिर्फ माँ बहन वाली गालियाँ आते हैं, आपके सामने देन की हिम्मत ना हो रही। अच्छा अच्छा। हवेली में देखा था तो पता नहीं था कि इस पुड़िया में इतनी तीखी मिर्च है। बदन में भी काफी परक आ गया तब से। अब वो छोड़े मालिक, जे बोले कि अच्छे परक आए हो कि बोरो। अच्छा ही लागो है। लाओ मैं खोल देती हूँ मालिक। क्योंकि ना मालिक, 2 साल से मजूरन की 9 वैकेंसी कर राखी है। आजकल सिर्फ BIPN को हाथ धरन दे तू। नाड़ो ही तालो। पार्षद, मिनिस्टर, MLA, MP। और आज मेरा नसीब देखो, आपका बदन लगने की भी चांस मिल गया। अब आपसे पुराना BIP कौन होगा इस इलाकों में? पादियो। राम बचा। अरे मालिक, राम बचा। अरे गधे की औलाद, अरे भाम कौन मेरी तमच। अरे चिक्का कर रहे मालिक, चिक्का कर रहे। आज पड़ोस में कौन है आपकी आवाज सुनने तो अंधड़ा जाएगो। सब पूछेंगे मुझसे कि राजा साहब इतने आए कैसे, मैं बोलने पड़ जाएगा साइकिल पे आए। अरे तुमने मुझको तो भड़का दिया, अपनी लुगाई की बात करके सिटोरे की रंडी परोस दिया हमको। मालिक, मालिक, अरे पिछवाड़ा मेरा। लुकाई संग आपकी जान को खतरा रहा मालिक, जा सोच के। अरे गदैया की पूंछ, जान को खतरा तो इससे है। हर इलाके का लड़का बच्चा कलकत्ता, बंबई, दिल्ली सब शहरों में फैला हुआ है। वहां से शहरी बीमारी लाकर ये छिनारों को देकर चले जाते हैं और ये छिनारे हम में बांटती फिरती हैं। अरे टीवी पर नहीं देखा का चौपाल पे? मालिक टीवी पर तो आधी कब दिखाते हैं मालिक, हंसते हुए मजूर दिखाते हैं, गाते हुए किसान दिखाते हैं। कम होते दुनिया में ऐसा। अरे हम मालिक एड्स की बात कर रहे हैं, एड्स की जानलेवा बीमारी है। मालिक जे उम्र थोड़ी आपकी बीमारी और के हिसाब धरवे की, ससुरी लग भी गई तो का उखाड़ लेगी। अरे अब बची कितनी है मालिक आपकी? अरे हरामी, बताता हूँ कितनी बची है। मालिक ना, मालिक ना, ना मालिक ना, एन मकत पे ऐसी बातें रह करो मालिक, मैं बर्बाद हो जाऊंगा मालिक। जब बलात्कार के चक्कर में कितो कर्जो चढ़ गया, वो पे मैं ही जाना तो मालिक। चरपैया टूट गई सो अलग। तुम्हें सिर्फ चपैया की पड़ी है, यहाँ हमारा पिछवाड़ा टूट गया ससुरे, इसका कुछ नहीं। पछाड़ को क्या मालिक, पड़े पड़े जुड़ जाएगी, ये थोड़ी जुड़ेगी। आपको भी खींचो कितो घर में मोए सब पतो है मालिक, निपटा दो मालिक। सरकार से 4 पैसे मिल जाएंगे, आप भी भलो जाएगो, मेरे भी भलो हो जाएगो मालिक। मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा मालिक, पीक मांगे की दो बता जाएगी।
बलात्कार ना हो तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी वाले। पाए पड़ा तो काम निपटाया तो वाले, निपटाया तो काम निपटाया तो वाले। नमस्कार सर। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, हे ओम प्रकाश। हाँ बोलो। अरे तुम इतनी देर से बोल कहीं नहीं रहे। अरे कांड हो गया। कहाँ भाव? मालिक ने पकड़ ली चोरी। ए? अरे फिर का लगी गरियाने? पहले तो साफ मने कर दी, कहीं कहीं मैंने पाव पकड़ लाए तो बोले ठीक है कर दूंगा, लेकिन लब्बड़ लगाऊंगा। लब्बड़? अरे हाँ, वो सरकारी लोग बाटत फिरत ना गाँव में। अरे वो गुब्बारो नहीं हो, बच्चन को दे थे खेलन के लिए। ओ निरोध। हाँ भाई, तेरे पाना का क्या करूँ मैंने तो। वो बीमारी हो सके जाको विज्ञापन दिखाते टीवी पे। तुम क्या कहो? मैंने कही जैसी मर्जी मालिक, लेकिन कर दो बस। हड़बड़ा मत, कंप्यूटर से पूछ ले कि लब्बड़ वालों बलात्कार सरकार मानेगी कि ना है। बोले जो सरकार मान लेती है तो दोबारा आ जाऊंगा। अरे यार, जे कार नहीं फपेड़ खड़ी कर दी तूने। मैंने कहा खड़ी करी है? और का? मैंने कहा खड़ी करी है? मैं खुद ही परेशान हूँ। कहाँ परेशान? ये दिल्ली चिकन के सिवा कछु खा नहीं रही, कहाँ से लेके आऊँ? तो मैं क्या करूँ? मालिक खटिया तोड़ कैसे वाला। हे भैया ओम प्रकाश, तुम जल्दी से पत्रकार से बात करो और पूछो लब्बड़ के बारे में। ना, पत्रकार को मैं नहीं बुला रहा हूँ। हर बार आता है साला हरामी और पेट्रोल का पैसा ले जाता है। आपको ज्यादा शामिल ना करो इमाम, नहीं तो सब लोग सोचेंगे बाय असली जनसेवक, वो बन जाएगा गणमान्य और मैं बन जाऊंगा लप्पू झन्ना का लप्पू झन्ना। तो क्या करेगो? अब गरीबन के हाथ में सत्ता इतनी जल्दी नहीं आता है। ओम प्रकाश, हे ओम प्रकाश, अरे तो फिर चुप हो गया यार। हे चिकुट, कट गए है ना? दीपेंद्र, दीपेंद्र। गुड मॉर्निंग सर। सर आपको यहाँ देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों? कहा है हुजूर के महीने में 29 दिन अकेले अस्पताल संभालते संभालते आदमी उकताया जाता है, फिर एक दिन तनख्वाह वाले रोज जब डॉक्टर साहब के दर्शन होते हैं तो लगता है कि दुनिया में अपना भी कोई है। इस बार तो गांव के कई चक्कर लगे। वो तो हुजूर अधिकारियों और गणमान्य लोगों को मिलने की खातिर हुए ना, उससे बेचारी गरीब जनता की समस्याओं का हल थोड़ी होता है। और क्या समस्या है इस गरीब जनता की? बीसियों में। जैसे? जैसे सांप के काटे मरीज को टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन दे सकते हैं कि नहीं, और बलात्कारी निरोध पहने हो तो बलात्कार साबित हो सकता है कि नहीं। और 10,000 में याददाश्त बढ़ाने की कितनी गोली आएंगी? एक कंपाउंडर जनसेवक बन सकता है कि नहीं? सारी मलाई अकेले खाने की फिराक में हूं प्रकाश, पेट खराब हो जाएगा तब टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन में काम नहीं आएगा। दौड़े चले आओगे हमारे प्राइवेट क्लिनिक में, और वहां का इलाज कितना महंगा है यह तो तुम्हें पता ही है। ना हजूर, गुब्बारे से ना हो सकत, कंफर्म किए हैं। फ्रांसिक जांच के लिए सैंपल चाहिए ही चाहिए। अब जांच यहां होती तो हम संभाल लेते, पर बात ससुरा होत है राजधानी माँ। अरे तुम्हारे फिरांसिंग विरांसिंग के चक्कर में हम अपनी जान जोखिम में थोड़े ही ना डाल लेंगे। आपकी जान जोखिम में ना है सरकार, हम गारंटी लेते हैं। और ये देखिए, ये देखिए, ये का है? दिल्ली का मेडिकल रिपोर्ट है। और का? अबे अबे निकलवा कर लाए हैं आपका तसल्ली के लिए। ये देखिए देखिए, एकदम क्लियर है। इतनी जल्दी जांच भी हो गई, रिपोर्ट भी आ गई। हुजूर, हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं डॉक्टरी विज्ञान की तरक्की के बारे में। बाकी चक्कर में
पता कितना नुकसान हो गया जा गरीब का, का बताऊं हुजूर। अब वह डॉक्टर भी पार्टी बन गयो है जाके कंपनसेशन में। जरा सूजन आ गया है, छटते ही आने का प्रयास करेंगे। हुजूर आपकी सूजन छटने तक इसकी झोपड़िया बिक जाएगी हुजूर, और वो दिल्ली साली हरामजादी चिकन के सिवाय कुछ खात नहीं है। तुमको क्या लगता है कि हम मजाक कर रहे हैं? हमें शौक है अपनी चूतड़ से कमाने का। अरे वो अगर हरामजादी चिकन खाती है तो हम क्या करें? हम तो उसे उठाकर नहीं लाए थे बाइसिकल के करियल पर। चिंतामणि देख कौन दुश्मन है दरवाजे पे। जी रहने साहिबा। अरे उड़ाए दे पर खच्चे हरामियन के। अरे इसकी मैया का चल, एक मछली का है साला। सर ये जो फाइल है, हाँ हाँ अप्रूवल लेना है आपका, एक बार देख लीजिए फिर आगे का प्लान बनाते हैं। सतीश जी समझ रहे हैं, दिल्ली फोन लगाइए, यहाँ की स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो चली है। फोन तो सरकार आपके आगमन के पहले ही लगा दिया। हाँ विषय में चर्चा करनी थी। हाँ तो करिए ना। अरे अरे भाई साहब डीएम साहब जी, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो विधायक जी सप्ताह भर से दौरे पर हैं, बहुत थक गए हैं। आज्ञा। नमस्कार। हाँ 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 बोलिए। सूचना मिली है हाँ। दिल्ली को कोई श्रमिक अपने साथ लेकर चला गया है। दो दिन हो गए हैं सरकार, अभी तक उसकी कोई सूचना नहीं। अब कब तक उसके साथ में वो रहेगी ये सुनिश्चित नहीं है। अच्छा, अरे तो पता लगाइए हमारे क्षेत्र में ये कौन मजदूर पैदा हो गया जो दिल्ली तक पहुंच गया हैं? जी चल जल्दी कर जल्दी। ये कांड सफल हो गया ना, कांडों की लाइन लग जाएगा। चोर में पार्टनर, फिर पीछे देखने का जरूरत ना पड़ेगा। रुपया देंगे उससे ज्यादा नहीं। ये चलो आज का इंतजाम तो हो गया, कल का कल देखेंगे। तुम्हारी याद आ रही थी। अच्छा पत्रकार बाबू बता रहे हो ये सीट औरतन के लिए रिजर्व हो रखी। तुम भी ना सोई भी ना ऐसे ही बता दियो बानी, नहीं चल रहा। अच्छा ये बताओ ना मेरा टिकट मिलने का कोई चांस है कि ना? खाना आगो? आगयो। तो देना। इस देश का गरीब हाँ। खुद भूखो मर जाएगो पर दिल्ली को भूखो ना मरने देगो। अगर ये बार हमको टिकट ना मिला ना तो देखियो तुम्हारा टिकट भी कैंसल से टोरा से। पता नहीं जे कैसो फोन है, दो दिन से बैटरी खत्म नहीं हो रही। लग रहा हूँ मालिक आ गए। देखो बाहर से ही सख्त है अंदर से बड़े नरम है। सोचा होगा गरीब का बलात्कार कर ही आता हूँ। ये तो अच्छा हुआ। राजा साहब तो सरकार मेरी कहा सुनी हुई औरत के साथ हैं? कहीं मैं रोटी फेंक के बाहर निकल गई हूँ हैं? है कहा कर रहा है जल्दी बोल। बोल रहा हूँ सरकार, कहीं मैं पुलिया पे जाके बैठ गया हैं? कहीं जे ओम प्रकाश आके पकौड़े लेके। हुजूर जाकर सुनने बैठे तो अगला इलेक्शन आ जाएगा, मैं कुछ बोलूं? कान पकड़ पहले। हाँ बोल। हुजूर क्या हुआ, जाका अपनी बीवी से झगड़ा हो गया और बीवी गुस्साए के बच्चन को लेके चली गई अपने गांव। जे घर पे रात को अकेला, अब क्या करे, भस चढ़ गई। भस
चुल्ल हुजूर, चुल्ल 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 वो इनके कहने का अर्थ संभवतः काम वासना के अतिरेक से है। आगे बोल। तो जे बोलो हुजूर, गुरु एक औरत का इंतजाम हो जातो तो मजा आ जातो। चल बैठ। मन ने कही हुजूर चुल्लू को शांत करना है भैया, तो सिठोरे चला जा, उतने ही मिलत किराए पे, समझ रहे ना हुजूर? समझ रहा हूं, अब तू भी थोड़ा समझ ले, पीछे देख जरा खोपड़िया घुमा के। नमस्कार। माफी हुजूर, माफी, कंपनसेशन का खेल चिराई कर रहे थे हुजूर, जाकि औरत बलात्कार को मना कर रही हो तो दिल्ली रानी को ले आए। तो क्या सोच रहे थे, हमसे बोले बगैर ये सब कर लोगे? जे बात ना हुजूर, सुना 50,000 कंपनसेशन मिला था, 6-7 पार्टी पहले ही बन गयो, अब आपको शामिल करते हुजूर तो जे बेचारा का बचातो का बांटतो। खड़ाओ रब बजर मूर्खो, तेरे से खड़े होने किसने कही? सारी भैया, तेरे से बाद में निपटूंगा जी। और तू, तुझे तो मैं बाद इन चिरौंजी के मंच पे देख के ही समझ गए हो तो कि तुझे बड़ी जोर की पॉलिटिक्स लाग रही, पर तू इतनी जल्दी हक देगो जे अंदाजो नहीं थमो है। सब आप लोगों को आशीर्वाद है हजूर, आप लोगों को देख के हगना मूतना सब सीखो है। कखा सीखो है, अरे हमें बताते, हम तुम्हें समझाते कि सरकार की असल प्लानिंग कहाँ है। सरकार साली इतने बड़े बड़े प्लान बनाए रही तुम लोगों की खातिर, और तुम ससुर 5-50 के चक्कर में ही पड़े रहो। इस देश का विकास कैसे होगा सतीश जी, जबकि साली जनता तो ठर्रे बलात्कार से ही संतुष्ट है। अरे समझाइए कुछ जी। आओ बंधु। और कह रहे थे अगर सामूहिक बलात्कार हो जाए फिर तो 1-2 लाख का बात भी कर सकते हैं वो सरकार से। 1-2 लाख? हाँ। और सुन, और कह रहे थे कि अगर जे बिटनेस मिल जाए कि बलात्कार के बाद औरत को नंगो घुमायो है गांव में, फिर तो 5 लाख तक का कॉम्पनसेशन मिल सकता है। 5 लाख? हाँ 5 लाख। का समझे तो? अच्छा वो नेताजी के साथ जो बड़का साहब रहे वो तो इस सेड मैनेजर के का समझाते रहे? अरे कुछ नहीं, पार्टी फंड का बात कर रहे थे, बोले मुख्यमंत्री जी का बर्थडे आ रहे हो है जन्मदिन, और बोले अगर 5 लाख मिल गए हो तो बाद में से 3 लाख सुसुपाल जी के हाथ पे रख के भिजवाए दो। 3? हाँ, और अगर 2 मिले तो 1 लाख भिजवाए दो। अरे तो जब मैं मेरो का फायदा भाओ तो फायदा ना भाओ। अरे 50,000 से तोर स्टैंडर्ड डायरेक्ट 1 लाख पे टच करा दियो सरकार ने, बाका थैंक यू ना बोलो। अरे बात तो ठीक है, लेकिन 5 में से 3, 2 में से 1, अरे जा तो गलत बात है ना। मैं पूछूं एक सवाल। हाँ बोल। जो सामूहिक बलात्कार का होता है, सामूहिक बलात्कार? बरात कल देर रात पहुंची, वो थके लाग रही थी सो कमरा में जाके सो गई। बे कौन साहब जासे हमरो बया भय परसो। फिर का साहब वो जाके बाहर सो गए रात। घर पे कोई नहीं था का? ना साहब, जब सवेरे गए कमरा में तो सोचो आप मना लेते, रात में ना मना पाए। कहाँ मना लेते? वो जो शादी के बाद मनाते। अच्छा फिर? साहब बोली। अबे बोल। साहब बोली कितनी बार करोगे, रात से जीना भरो। मतलब तू बाहर सोते रह गए हो और अंदर कोई और हाथ साफ कर चले गए हो? साहब मुझे कल्लू भेंगे पर पूरो पूरो सक के। साहब मैं क्या करूं? साहब रिपोर्ट लिखो साहब,
जेल में डाल दो हरामी को साहब, अभय के अभय साहब। भांसे कहाँ मिलेगो? खुदा कसम चिरौंजी के चिरकुट चिरकुट ही रहोगे। बैकवर्ड ने बैकवर्ड का रेप कर दियो, ये कोई केस भयो? इसमें सामाजिक न्याय की गुंजाइश कहाँ बनती है? बोल, सरकार क्या करेगी इसमें? साहब न्याय करेगी और का? ऐसे सरकार न्याय करने बैठ गई तो चल गए सिस्टम। अरे देश के सिस्टम के मुताबिक एक पार्टी बैकवर्ड हो और दूसरी फॉरवर्ड, या एक बहुसंख्यक हो एक अल्पसंख्यक, या चलो एक मराठी हो दूसरा बिहारी, तबो गुंजाइश बनत है। ये तो सीधे सीधे तेरा लापरवाही वाला केस है। हैं, पहले तो साले औरत की सुरक्षा खुद नहीं कर सका थे और चला आया मुंह उठाने आया मांगन। केस तो तोपे बनना चाहिए ना कि साले कलवा पे। ना साहब, बनाओ केस तेरे ऊपर। साहब ना, ना साहब। एक बात कान खोल के सुन ले, नई गाड़ी और नई लुगाई कभी अकेला नहीं छोड़ते, पड़ोसी है सफाई तो करेगी। अच्छा एक बात बता, तेरी लुगाई कहाँ है इस वक्त? साहब घर पे। अकेली ही होगी। अरे ललन भैया बड़ो दुख भयो। अरे तू क्या कर रहे तो? कुछ नहीं, मेरा मतलब ललन की औरत का केस समझ नहीं आया। तो आपने बहुत बढ़िया समझाया हो, पर एक बात मुझे समझ में ना आई। क्या समझ में नहीं आई? जे ललन की औरत के साथ जो भयो, जे थर्रा बलात्कार माने जाएगो के सामूहिक। अच्छा, मेरा मतलब कल्लू भेंगो अगर फरबड़ हो तो, तो। अच्छा अब तो आए हो, दो बातें अच्छे से समझ लो। सामूहिक बलात्कार में कम से कम दो सैंपल चाहिए का चाहिए, तब जाके पुष्टि हो सकत है। सैंपल तो पता होगा तो है, बाकी दूसरी बात 5 लाख वाला केला केलन की सोच रहे हो, बा में 5 नहीं तो कम से कम 3 विटनेस तो चाहिए का चाहिए, वरना FIR कमजोर पड़ सकत है। ऐसे का टुकुर टुकुर देख रहे हो, विधायक जी के बॉडीगार्ड भी पुलिस वाले ही हैं। बस अब निकलो, बाकी की बातें माल आने के बाद ऐसी दफ्तर पे ही हो जाएंगी। चलो गाड़ी निकालो। और हाँ, मुझे लग रहा है इस बार गणमान्य और अधिकारियों के बीच में गाड़ी पे बैठ के ही मानोगे। चलो मिलते हैं। अरे हमने कहा कारखाना खोल रखा है जहां बलात्कारी बनते हैं, एक और बलात्कारी का इंतजाम हो सकता है हुजूर। अरे ये बात हमसे कहने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हें? ए नौजवान प्रियंकर, डायरेक्ट बोल दियो, एक और बलात्कारी चाहिए, इतने बड़े आदमी हैं, रेपिस्ट हैं का? चल बैठ। हुजूर बैठिए, मैं समझाता हूँ, बैठिए आराम से बैठिए। हुजूर ऐसा है, जरूरत ऐसे हुई, हमने सोचा आप जैसे महापुरुष के हाथ में ये 10,000 रखते हुए जरा शर्म लगती है, तो हमने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि 5-10 बढ़ा के हुजूर के हाथ में रखने की औकात हो जाए इस गरीब की। मतलब 20,000? इसको बजट तो हुजूर 15 को था, पर आप 20 कहते हो तो 20 सही लगे रहो। लेकिन हुजूर जितनी जल्दी एक अच्छे बलात्कारी का इंतजाम हो जाए, उतनी जल्दी आपके हाथ में 1,000-1,000 के 20 नोट, नहीं तो 500-500 के 40 नोट, और नहीं तो 100-100 के 200 नोट कड़क आपके चरणों में रख देगो। चल भाई राम, चल काम हो गयो, सरकार का हॉर्न बज गयो, चल पाए लागी हुजूर, पाए लागी हुजूर। ठीक है, आगे से ध्यान रख। हाँ, हाँ। अरे ये नास पीटे काहे चक्कर लगा रहे हैं हवेली के? हाँ? अरे सरकार गरीबन के लिए एक योजना लेकर आई है, उसका उद्घाटन हमसे करवाना चाह रहे हैं और का। चलो, सरकार ने हमें गरीब तो माना, पागल औरत है। हम जरा बड़े भैया के यहाँ जा रहे हैं। हाँ? क्यों? उनकी भी जरूरत पड़ेगी उद्घाटन में।
चिंतामणि बंदूक लेके आओ। पाए लगू छोटे मालिक। जे का है? तलवार। महाराजा साहब को आदेश रहा छोटे मालिक। का आदेश रहा? यही कि जा पे जाके पालिश करा ले आओ। बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, ये किस प्रकार का ओछापन है? अरे आप ये हमारी खानदानी विरासत, खानदानी धरोहर को उसी इलाके के बाजारों में बेच रहे हैं जहां कभी हमारा एक छत्र राज था। छोटे मालिक आए। अरे कब आया तू? अरे भैया ये तलवार। ये तो मेरी तलवार है। अबे शिरोमणि, तू इसे बेचने गया था, दुकान पर ताला लगा है क्या? ताला आपके दिमाग पर लगा हुआ है, दुकान पर नहीं। है? आपको शर्म नहीं आ रही खानदानी चीजों को बेचते हुए? अरे शर्म, अरे उठा शिरोमणि, उठा मुझे, उठा। 13 साल से बिना देसी घी की दाल खा रहे हैं हम। मीठे के नाम पर कभी ये पंजीरी बना देते हैं, वो भी रूखी रूखी। आटे का हलवा, वो भी लपलपा। अरे रबड़ी का स्वाद कैसा होता है ये तक भूल गए हम। ऐसे दिन देख रहे हैं। अरे खाना खाना खाना, चटोरेपन की भी हद हो गई। ये पुरानी चीजें आपके घर में हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी हो गई। इन पर हमारा भी हक है। हमसे पूछे बगैर बेची कैसे? अरे तुझसे बगैर पूछे? हाँ। अरे हाँ, शिरोमणि ला हमारी बंदूक, आज हक का फैसला हो ही जाए। बहुत बर्दाश्त की, बहुत सुन ली इस जोरू के गुलाम की चुदुर चुदुर। अबे देर क्यों कर रहा है, भारी है झपोला आगे। हट 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 जा, चला गोली चला। रहने दो, जा की जरूरत ना है। मैं तो देख रहा था कि आपके अंदर वो आग है कि नहीं, कि बलगम के साथ बह गई। अरे क्या देख रहा, महाराजा साहब की बंदूक उठा और जाके अपने भाई के संग भाई। अरे अरे बस, कहना क्या चाह रहा है तू? मैं रबड़ी का स्वाद याद दिलाना चाह रहा हूँ। पाए लागू। जे हुई ना बात, खुश रहे खुश रहे। पर ये सब क्या हो रहा था? ये चक्कर का है बड़कू? सरकार गिराने की साजिश चल रही है। हाँ? अभी रास्ता में बड़बड़ात रहे कि पता नहीं बड़े भाई दिल्ली पे चढ़ पाएंगे कि नहीं। हाँ? हाँ? देखो अगर ना कर पाए तो इज्जत का चौबारा हो जाएगा। कर तो लेंगे, पर जरा खुराक तगड़ी वाली मिल जाती तो बात कुछ और होती। आप अपने तलवार पतीला फर्नीचर भांडे निकालो। हाँ। मैं अपने निकालता हूँ। हाँ। थोड़े बादाम सिलाजी वगैरह लांगे? अरे वो तो ठीक है, अगर सांडे का तेल मिल जाए खालिस वाला तो उसकी मालिश से बहुत फर्क पड़ता है, तू तो जानता है।
सर माई बाप हजूर साहब गैया हम सुमसान सोच के तर्क रहो सतर्क सार्थक हो हर कांड बाल आंख में सुअर का चाहे चश्मा टॉप ब्रांड दम तक मिलकर सारो सारो जाओ वो का हुआ ना मालिक छोटे राजा बड़े राजा से बोले तू बड़ो है तो पहले खा ले रबड़ी फिर बड़े राजा मेरे ऊपर आके पड़ गओ काफी देर तक पड़ो रहो मैंने कही राजा जी कुछ करोगे भी या यूं ही पड़े रहोगे कोई आवाज ना आ रही नीचे देखो तो छोटे राजा मुंह से झाग छोड़ ले पर जे समझो कि दोनों बुड्ढे कमरा में फैले पड़े रायता की तरह डॉक्टर साहब आप ही समझाओ चक्कर का है महाराजा साहब को तो मैसिव हार्ट अटैक हुआ है उसी में निकल लिए राजा साहब को देखने से ब्रेन हेमरेज लग रहा है हालत काफी गंभीर है लगता है हुजूर किसी ने वो यौवन शक्ति वाली गोलियों का ओवरडोज दे दिया सारा खेल गोल गोबर कर दियो ससुर के नाती जे केस के चक्कर में इन्वर्टर का एडवांस दे के रखा हुआ था काहे मजूरन के केस में फंस गओ मैंने तो अपना काम कर दियो अब मुझे टिकट दिलाओ चुप खड़ी हो से वहां जाके खड़ी हो मुंह बंद रख लौंडी साली जब देखो अपना भाड़ भोजन शुरू कर देते और तू हाँ क्यों बे हाँ तुझे और कोई नहीं मिला था दो बूढ़े साढ़न के अलावा मारेंगे साले के अभी कुछ नहीं बिगड़ो है प्रधान जी उप प्रधान और बीडीओ इन सब लोगों को बुलावे का बखत आ गया है जी सर हो जाएगा चिरौंजी की जनता और स्टेज पर बैठे महापुरुष और हमारे प्यारे पत्रकार सबको ओम प्रकाश जनसेवक का बहुत बहुत प्यार और सत्कार लगे रहो इस फंक्शन के मेन पॉइंट पे आने से पहले मैं परमवीर आदरणीय महाराजा साहब और प्यारे राजा साहब को याद करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर एक बैकवर्ड महिला की इज्जत बचाने के लिए जाके बलात्कारियों के साथ खूनी संघर्ष किया और इस खूनी संघर्ष में महाराजा साहब खर्च हो गए
और हमारे प्यारे राजा साहब को हमारे चिरौंजी के सरकारी अस्पताल के लोगों ने बचा लिया। हमारे माननीय बीडीओ साहब श्री भारत भूषण जी ने ग्रामीण विकास फंड से राजा साहब को सम्मानित करने हेतु एक सिलक साल और ताम्रपत्र देने का फैसला क्यों है। राजा साहब जिंदाबाद। अरे भाई घुमाओ घुमाओ घुमाओ, अरे घुमाओ, फोटो खींचो फोटो, अरे फोटो, हाँ करो, मैं हूँ ना फोटो में। राजा साहब जिंदाबाद। हाँ जवान, वाह वाह वाह, पिशाब धन्यवाद कर रहे हैं। पिशाब, ठीक है ठीक है, पिशाब। अब मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अपने प्यारे माननीय विधायक जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने शुद्ध विचारों से हमें किरदार करें। माइक टेस्टिंग, हेलो 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 हेलो। ब्रदर एंसेस्टर ऑफ इंटरनेशनल पीपल, दिस इज टॉक अ बिग सेम दैट freedoms many year after also in our country caste past hype is working. Richer people raping poor people and poor people raping richer people. भाषण में कोई मिस्टेक है क्या? कुछ कह नहीं सकते। हंस रहा है। ये आपने मैनपुरी के प्रधानाचार्य से लिखवाया था। माय कंट्री पीपल, आई से प्रे टू यू दैट अदर्स पीपल वाइफ रेपिंग इज वेरी रॉन्ग। फॉर साइलेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री ऑल गुड पीपल ओनली रेप ओन वाइफ इन होम। यहाँ से निकल के सीधा मैनपुरी चलेंगे जी। बा प्रिंसिपल की तो जी। और अब सरबतिया देवी, श्रीमती राम भज से निवेदन करूंगा कि मंच पे आवे, उनके साथ जो हादसो भयो है उसके हर जाने का चालान लेके जावे हमसे। सरबतिया देवी। जा, तो ये बुला रहे। मुझे बुला रहे? यही काम के लिए तो बुलाया था तुझे। जा। श्रीमती राम भज मंच पे आवे। श्रीमती राम भज। ये ओरिजिनल है, है? या हमने नहीं बोला क्या पता? पुकार रहे हो मेरे नाम जोर जोर से? वो आपके साथ जो हादसा भयो है उसका हर्जाना भेजा है सरकार ने, लेगी ना? कहाँ हादसा भयो मेरे साथ?
लगे रहो। कंपाउंडर तो भाग गया। कहने का मतलब ये है कि इधर उधर की बात को छोड़, 5 लाख का चलान पकड़ ले और फोटो खींचा। काय बात के दे रहे हो तुम वो इतने पैसों? वो पहले तो आपके साथ सामूहिक बलात्कार भो, हाँ। बाकी बाद आपको पूरे गांव में नंगो घुमाओ, उसका हर जाना है। अच्छा तो तुम मौज छिनट्टी बताना चाह रहे हो दुनिया की नजरन में? क्यों, किस हरामी की हिम्मत है जो मेरे साथ ऐसो गंदो काम कर सके? मार मार के चल भी ना छाड़ दू कुत्तन की, तो मेरो नाम सरबतिया नहीं, कल तू कराए को मेरो बलात्कार, तेरी चाक का नेता मारू। अरे क्या कर रही है ये भाई, अरे हम नेता को ऐसा कर रही है, अरे भाई जी संभाल अपनी जगाई को, सही है विधायक जी, ये क्या हो रहा है? देखिए, जिस महिला के साथ ऐसा हादसा हुआ है वो अपना दिमागी संतुलन खो दे, जहां मैं कोई को हैरान होने की जरूरत नहीं है। सही बात है। मेरी पूरी सहानुभूति श्रीमती रामभज के साथ है, दरोगा जी ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया है। अब मैं श्री रामभज से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आवे और अपनी पत्नी का हरजाना ग्रहण करें। अरे रामभज आ जा आ जा निपट गया। आ लल्ला आ जा साहब, बुला भाभी दुकान कर गई। ले क्या बात है। अरे ठीक बस हीरो हीरो हे आहा। ये बड़ो लिफाफो हाँ भाई राम भज, बधाई हो, हमारो अभियान सफल हो गयो। जिसको जितो ठहरो तो बाको उतो पकड़ा दो। अब जे तुम्हारी साथ हो भैया, जे तुम्हारी माया और जे भाभी के लिए एक तुच्छ भेद हो। देखो ओम प्रकाश के होत किसी के साथ अन्याय ना हो सका। लगे रहो। क्या कौन जरूरत है, ये एक ऐतिहासिक क्षण है। मेरे जैसा इस देश का भावी जनसेवक नेता और तुम जैसी जागरूक जनता का जब ऐसो संगम होएगो तो ऐसी चांदी बरसे। लगे रहो। समझ गए।
दावत है पड़ोसी ने। अरे जे मुर्गी जे अंग्रेजी काहे की दावत, बस जे ही है। सच्चाई से आप सबको रूबरू करवाया है। इसके बाद सरकार इस धंधे में शामिल भ्रष्ट लोगों के खिलाफ क्या कदम उठाती है, उस पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। मैं खुशबू कमल, कैमरामैन नरेंद्र गेडिया के साथ न्यूज एक्सप्रेस गांव चिरौंजी। चलो चलो बेटा। कंपनसेशन घोटाले में सरकार के त्वरित एक्शन ने यहाँ के स्थानीय लोगों में कानून और व्यवस्था के विश्वास को अच्छा खासा मजबूत किया है। कोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए राम बच्चू को रिहा कर दिया। कोर्ट का मानना है कि राम बच्चू पूरे मामले में एक्टिव प्लेयर न होते हुए बस एक मात्र ज्यादा था, जिसका भ्रष्ट अधिकारियों और क्षेत्रीय नेताओं ने इस्तेमाल किया है। ए लल्ली, उठे क्या कर रही? चल घर चल, रोटी खाते। अच्छा।